नमस्कार दोस्तों, अब मैं फिजिक्स से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बायो सेवर्ट का नियम, जो कि मैग्नीशियम से रिलेट करता है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? बायो सेवर्ट के नियम को लाप्लास का नियम भी कहते हैं। तो ये कैसे चुंबकीय क्षेत्र इसके थ्रू निकाला जाता है, आइए सारा चीज हम यहाँ कर सीखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है? धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या इसको बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम को लाप्लास का नियम, जैसा कि मैंने बताया लाप्लास का नियम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे बायो सेवर्ट का नियम या लाप्लास का नियम कहा जाए तो आप वही सेम आंसर देंगे। ठीक है, फ्रांस के दो वैज्ञानिक जिनका नाम था बायो, इनको बायोट भी कहते हैं या टी सारेंट है, ठीक है, तथा सेवर्ट, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1820 ईस्वी में धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या आता है, अभी मैं इसको आगे ड्राइव करके बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया, कैसे ज्ञात किया, उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, ठीक है, इस तार में धारा आई प्रवाहित किया, इसका नाम है धारावाही तार, ठीक है, इसमें धारा आई प्रवाहित किया, और इसके राइट साइड में बिंदु पी लिया और लेफ्ट साइड में बिंदु क्यू लिया, और ये जो बिंदु पी और क्यू है आर दूरी पर स्थित है तार से। ठीक है, इस तार के अल्पलंबाई डीएल लिया उन्होंने, क्या लिया, तार के अल्पलंबाई डीएल लिया और इसे आर दूरी में बिंदु पी लिया। तो अगर इस बिंदु पी पर इस धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाए तो आप मान तो हालांकि इस व्यंजक से निकाल लेंगे, बट दाएं हाथ के हथेली नियम से इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दाएं हाथ के अंगूठा को हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे, देखिए धारा ऊपर जा रही है तो धारा दिशा में, और अंगूठा चारों उंगलियों को बिंदु पी की ओर फैलाएंगे, जब बिंदु पी को फैलाएंगे तो बताए हथेली किधर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तभी मैंने बताया अगर हथेली अंदर की ओर जा रही है क्या लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्रॉस होगी। सिमिलरली इसका अपोजिट यहाँ पर होगा, कैसे होगा, देखिए धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, चारों उंगलियों को क्यू की ओर फैलाएंगे, जब बिंदु क्यू की ओर फैलाएंगे चारों उंगलियों को, हथेली किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी। ठीक है, आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है, माना तार की अल्प लंबाई डीएल में, क्या इस अल्प लंबाई डीएल में डीक्यू आवेश अवस्थित है। आपको भी पता होना चाहिए कि आप जानते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 10 रहती है 28 होती है, तार भी एक चालक है। ठीक है, लेकिन मैंने मान लिया कि तार के अल्प लंबाई डीएल में जो आवेश होंगे बहुत अल्प होंगे, उस अल्प आवेश का मान मैंने ले लिया है डीक्यू। ठीक है, यहां पर मैंने डीक्यू ले लिया है, माना फिर पुनः मैंने मान लिया कि DQ आवेश भी चाल से DT समय में DL दूरी तय करते हैं, जो DQ आवेश है भी चाल से गति कर रहा है और DT समय में कितना दूरी तय कर रहा है, DL दूरी तय कर रहा है, तब चाल बराबर दूरी बढ़ाए के समय के सूत्र से, आप जानते भी होंगे चाल बराबर दूरी बढ़ाए के समय, चाल कितना है, भी है, दूरी कितना है, डीएल है, और समय कितना दे रहा है, डीटी दे रहा है, यानी भी बराबर हो जाएगा डीएल बाई डीटी, इस समीकरण हमने स्टार्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, और हम लोग इसके पहले आपको मैंने बताया था कि जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, एक नया क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात हमने आपको हेडिंग में करवाया नेक्स्ट वीडियो में कि गतिमान आवेश कारण किसी बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डी क्यू बी का सूत्र जो होता है, बी का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू नॉट बटा के 4 पाई क्यू भी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी स्टूडेंट देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है कि डी क्यू आवेश, ध्यान दीजिएगा क्यू आवेश नहीं डी क्यू आवेश, के भी वेग से गति करने के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्यू आवेश कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो आप बी लिखेंगे, लेकिन डी क्यू आवेश कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो बहुत अल्प आवेश कारण बहुत अल्प चुंबकीय क्षेत्र होगा, बहुत अल्प चुंबकीय क्षेत्र को हम डी बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी बी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिख लिया, डी बी लिख लिया है, तो देखिए डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा के 4 पाई होता है क्यू भी साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, लेकिन क्यू के साथ मैंने क्या लिखा है डी क्यू, जैसे डी क्यू लिखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डी बी है तो डी बी मैंने लिख लिया म्यू नॉट बटा के 4 पाई, म्यू नॉट बटा के 4 पाई लिख लिया। अब देखिए dq को मैं dq लिखे into v, समीकरण स्टार से आप देख सकते हैं v इक्वल क्या dl by dt, तो मैंने क्या कर लिया dl by dt into sin थीटा बटा के r स्क्वायर, कहां से आ गया dl by dt, ये समीकरण स्टार से आ गया from equation star। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, dv इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा के 4 पाई हो जाएगा, dq / dt आवेश प्रवाह की दर को मैं तो धारा कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर dq / dt के साथ क्या रख सकते हैं, करंट i रख सकते हैं, dl को dl लिखेंगे, sin थीटा को sin थीटा लिखेंगे, अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यही स्टूडेंट क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है, इसी को हम बायो सेवर्ट का नियम या लाप्लास का नियम कहते हैं, dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा के 4 पाई idl sin थीटा r स्क्वायर। म्यू नॉट क्या, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया वायु का निर्वात की चुंबकीयता होती है, इसका मान फिक्स होता है 4 पाई / 10 घटे -7 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि आई धारा है, इस चालक तंत्र प्रवाहित धारा है, डीएल क्या है, इस अल्प लंबाई है, थीटा क्या है, इस अल्प लंबाई डीएल का रेखाखंड, इसको अगर ओ मान लेते हैं तो रेखाखंड ओपी के बीच बना कोण है। ठीक है, और आर क्या है, ये दूरी है, बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी है। ठीक है, इसको सदिश रूप में लिख रहा हूं तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा, तो हो जाएगा वेक्टर डीबी इसको हो जाएगा बी डॉट बटा के 4 पाई आई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो डी जो देख रहे हैं डीएल साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डीएल क्रॉस कैप आर, ध्यान दीजिए कैप आर है, इकाई सदिश लिया गया बटा के आर स्क्वायर। ठीक है,
इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे तो हम जानते हैं कि कैप आर बराबर सूत्र क्या होता है। कैप आर बराबर सूत्र होता है वेक्टर आर बटा के आर। जब यहां पर हम लिखेंगे कैप आर का स्थान है वेक्टर आर बाय आर के नीचे क्या और आ जाएगा, आर पहले से आर है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, यानी डीवी बराबर हो जाएगा मीन ऑफ बटा के 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा के आर क्यूब। आर डीवी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मात्रा क्या लिखेंगे, टेस्ला। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो बहुत सारे आपको मात्रा भी चुंबकीय क्षेत्र के बताए गए हैं और बहुत सारे फैक्ट भी आपको अदर वीडियो में बनाए बताए गए हैं। तो आइए किसी को समझे होंगे, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेंड भी करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।